आप लोगों ने ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा तो देखा ही होगा। इस मूवी में पुष्पा जो इस मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी कि हीरो, वो इस मूवी में लाल चंदन की स्मगलिंग करते हुए दिखाया गया है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि पुष्पा जैसा ही एक आदमी रियल लाइफ में भी था, कूस मुन्नुस्वामी वीरप्पन, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला का सबसे बड़ा डाकू था और जिसने वहाँ की जंगलों पे 36 सालों तक राज किया है। इसका असली काम लाल चंदन का स्मगलिंग था, लेकिन बाद में वहाँ से ज्यादा मुनाफा ना आने की वजह से इसने हाथियों को मार के उनका दांत को स्मगलिंग करना चालू कर दिया। और माना जाता है कि उसने 2000 से भी ज्यादा हाथियों को मार दिया था बस उनके दांतों के लिए। और यही नहीं, इन 36 सालों में उसने 120 लोगों का मर्डर किया था। एक बार कन्नड़ एक्टर राजकुमार को इसने 108 दिनों के लिए किडनैप करके रखा, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 52 करोड़ का बाउंटी इनाम रखा था। और आखिरकार 18 अक्टूबर 2004 को तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स ने इसे मार गिराया।